कैश परचेजेस मीन्स यू बाय द गुड्स एंड यू मेक द पेमेंट इमीडिएटली, एंड क्रेडिट परचेजेस मीन्स यू बाय द गुड्स बट कीप द पेमेंट पेंडिंग. यू कीप द पेमेंट पेंडिंग. इज दैट क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स? सेल्स का मतलब क्या है? गुड्स सोल्ड इन द बिजनेस. बराबर है? गुड्स सोल्ड इन द बिजनेस. नाउ अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स का मतलब इमीडिएटली पैसा आ गया. क्रेडिट सेल्स का मतलब इमीडिएटली पैसा नहीं आएगा, फ्यूचर डेट पे आएगा. ऑन क्रेडिट दे आर कॉल्ड एज क्रेडिट सेल्स, राइट? एंड जिस बंदे से पैसा लेना बाकी है उसको क्या कहा जाता है? डेटर. एंड जिस बंदे को पैसा देना बाकी है उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिटर. जिसको देना बाकी है दैट्स योर क्रेडिटर, एंड जिससे पैसा लेना बाकी है दैट्स योर डेटर. रिमेम्बर? एंड जो गुड्स खरीदा और जो गुड्स बेचा दे आर कॉल्ड एज परचेजेस एंड सेल्स. इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन हाउ गुड्स आर परचेज एंड सेल्स ऑल्सो एंड हाउ दे आर एसेट्स ऑल्सो. देखो ये मेरा बिजनेस है. ओके, दिस इज माई बैलेंस शीट. दिस इज माई बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज टैलीड ऑन 1 crore and 5.5 lakhs. 1 crore 5 lakh 50 thousand टैलीड बैलेंस शीट आपके पास. ठीक है, अब मैं इसमें आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड बैलेंस शीट बता देता हूं. ये जो नीचे है ये मेरा इनकम और एक्सपेंस है, और जो ऊपर है वो मेरी बैलेंस शीट है. ठीक है, अब सपोज मैंने इस साल में 30 lakh rupees के गुड्स परचेज किए. कितने के गुड्स परचेज किए? 30 lakh rupees के परचेज किए. ओके, लेट अस अज्यूम मैंने क्रेडिट पे परचेज किया. मैंने अज्यूम कर रहा हूं, मैं कैसे परचेज किया? मैंने क्रेडिट पे परचेज किया. तो बैलेंस शीट में क्या होगा? यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा 30 lakhs का. बराबर है? क्रेडिट पे परचेज किया. क्रेडिट पे मतलब पैसा गया है क्या इमीडिएटली? डिड आई गिव द मनी इमीडिएटली? तो क्या क्रिएट होगा यहाँ पे? लाइबिलिटीज में क्रेडिटर आ जाएगा. कितने का? 30 lakhs. All of you got this? 30 लाख का एसेट आया, सामने 30 लाख देना बाकी है. ठीक है, ओके. अब 30 लाख का गुड्स में से, 30 लाख का गुड्स में से मैंने सभी गुड्स नहीं बेचा. मैंने सभी गुड्स नहीं बेचा हुआ. मैंने 20 lakh का गुड्स बेच दिया. कितने में बेचा? 40 lakhs में बेचा. प्रॉफिट लगा. 20 lakh का ही गुड्स बेचा है. 10 lakh का मेरे पास ही है. 20 lakh का बेच दिया प्रॉफिट लगा के. कितना प्रॉफिट? डबल प्रॉफिट. 20 lakh का मैंने 40 lakhs में बेच दिया. 20 lakh का गुड्स आई हैव सोल्ड इट फॉर 40 lakh. ठीक है, तो अब, और ये भी मैंने क्रेडिट पे बेचा. क्रेडिट पे बेचा 40 lakh. तो क्या चेंज होगा यहाँ पे? Stock will become 10 lakhs. Stock will become 10 lakhs. Absolutely right. Because 20 lakh ka stock gaya. There would be a debtor. You'll add a debtor. I'll add a debtor. And what are debtors? Assets. Assets. Why assets? Paisa lena baki hai. Cash mein bechta to cash aa jata na mere paas. Cash aa jata to cash badh jata na asset mein. Abhi mil gaya ki milna baki hai? बाकी है, मिलना बाकी है. डेटर से मिलना बाकी है. तो कहीं से भी पैसा मिलना बाकी है, रिसीवेबल है. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज योर एसेट. दैट इज आल्सो कॉल्ड, जैसे फर्नीचर हुआ, बेचोगे तो पैसा मिलेगा. मशीन है, बेचोगे तो पैसा मिलेगा. गुड्स है, बेचोगे तो पैसा मिलेगा. डेटर है, बेचोगे, अरे डेटर को बेचना नहीं, डेटर से पैसा मिलेगा. डेटर को बेच मत देना, आदमी को बेच नहीं सकते, तो वहां से पैसा मिलेगा. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एसेट. सो डेटर बन जाएगा. कितने का डेटर बनेगा? कितने का डेटर बनेगा? 40 लाख.
40 लाख. अब ये तो इम्बैलेंस हो गया ना, 20 लाख का डिफरेंस आ जाएगा. व्हाट इज दैट 20 लाख? प्रॉफिट. प्रॉफिट तो प्रॉफिट में ऐड कर दोगे आप 20 लाख रुपीस, ये प्रॉफिट में ऐड हो गया 20 लाख. इज दिस क्लियर? यस. ये ट्रांजैक्शन समझ आया? मैंने 30 लाख का गुड्स परचेस किया, उसमें से 20 लाख का ही बेचा. कितने में बेचा? 40 लाख में बेच. ठीक है, अब मेरा प्रॉफिट हो गया 20 लाख माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस. ओके, और मेरे पास कितने का गुड्स पड़ा हुआ है यहाँ पे? 10 लाख का, जो मैं फ्यूचर में बेच सकता हूँ, ओके. अब मेरे को पैसा आएगा डेटर से 20 डेज के बाद. डेटर्स मेरे को कितना पैसा देगा? 40 लाख डेटर पैसा दे देगा आपको. तो आप क्या करोगे अभी चेंज यहाँ पे? 40 लाख डेटर से पैसा आएगा तो डेटर का निकल जाएगा. डेटर निकल जाएगा 40 लाख से, और क्या बढ़ जाएगा? कैश बढ़ के कितना हो जाएगा? 82.5 लाख. 40 लाख से बढ़ जाएगा कैश. अब पैसा आ गया तो रख के जलसा करूं कि कुछ और करना बाकी है? We'll pay off our creditors, उनको पैसा देना बाकी है. कितना दोगे? 30 लाख. चुका दिया 30 लाख चुका दिया तो क्या? कैश 52.5 हो जाएगा. कैश 52.5 हो जाएगा 30 लाख से कम. और क्रेडिटर जो है वो गायब हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. अब ध्यान से समझना, इस ट्रांजैक्शन में आपका इनकम कितना हुआ और एक्सपेंस कितना हुआ? एक्सपेंस 30 लाख, इनकम 40. एक्सपेंस 30 लाख बोला आपने और इनकम 40 लाख बोला आपने. क्यों 30 लाख बोला एक्सपेंस? क्रेडिटर को देना था क्योंकि गुड्स खरीदा था आपने 30 लाख का, बराबर है? और क्यों 40 लाख बोला? क्योंकि 40 लाख का सेल्स हुआ था आपका. वो आपका 100% करेक्ट एक्सपेंस और इनकम है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, सुनना ध्यान से. ओके, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस वो 30 लाख नहीं है, 20 लाख. एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस वो 30 लाख नहीं है, कितना है? 20 लाख. और इनकम है ना, इनकम, इनकम है ना, इनकम वो कितनी है? 40 लाख. और प्रॉफिट कैसे? हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस. तो 40 माइनस 20 कितने का प्रॉफिट हुआ आपका? 20 लाख. जो टैली हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट के साथ, इनकम माइनस एक्सपेंस. समझ में आया आपको क्यों मैंने एक्सपेंस 20 लाख लिया और क्यों मैंने इनकम? सर, क्योंकि 20 लाख का गुड्स सेल हुए. हाँ, तो बुक कीपिंग 10 लाख का भी. और 10 लाख का क्या है? वो 10 लाख का स्टॉक वो बचा हुआ है. ओके, तो अब हम लोग एक रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, स्टॉक गुड्स का रिलेशनशिप. क्या रिलेशनशिप होता है ध्यान से सुनना. बिजनेस में आप जो गुड्स परचेस करते हो और उनको बेच देते हो. ओके, जो गुड्स परचेस करते हो और उनको बेच देते हो, दे आर कॉल्ड एज परचेजेस एंड सेल्स. परचेजेस मतलब वो नहीं कि टोटल जो खरीदा, जो टोटल खरीदा वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से जो बेचा वो ही एक्चुअल परचेज है. जो बेचा ना वो ही एक्चुअल परचेज है. तो जो बच गया वो क्या है? बच गया वो परचेज नहीं है, बच गया वो स्टॉक है, वो एसेट. बच गया वो गुड स्टॉक है, वो गुड्स एसेट. बात समझ आई? आपने यू परचेस्ड गुड्स ऑफ लेटर्स से 10 लाख इन अ ईयर. यू परचेस्ड गुड्स ऑफ लेटर्स से 10 लाख. 10 लाख का परचेज किया. ओके, अब इस 10 लाख में से सबका सब गुड्स नहीं बेचा, सबका सब नहीं बेचा. 8 लाख का गुड्स बेचा, 8 लाख का गुड्स बेचा, प्रॉफिट लगा के 12 लाख में, प्रॉफिट लगा के 12 लाख में बेच दिया. लेकिन ये तो सेलिंग प्राइस है, आपने क्या कॉस्ट का गुड्स बेचा है? 8 लाख का.
8 लाख का गुड्स 12 लाख में बेच दिया, तो अब मुझे सोच के बताओ परचेस कितना है और आपका सेल्स कितना है। तो आपका परचेस 10 लाख नहीं है, आपका परचेस क्या गिना जाएगा? 8 लाख। आपका परचेस एक्सपेंस 8 लाख ही गिना जाए, नॉट 10 लाख। देन Why? What is 2 lakh? What is 2 lakh remaining amount? Stock. That part will be treated as asset. That part will be treated as asset. तो जो stock मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 10 lakh, ये कौन सा stock है? Is this sold stock or unsold stock? Unsold stock. Unsold stock is your asset. जो बेचना बाकी है, जिससे पैसा आना बाकी है, जो जाना बाकी है, जो फ्यूचर में पैसा देगा, इनकम देगा, वो एसेट है। लेकिन जो खरीद के बिक चुका है, इज दैट अ पार्ट ऑफ योर स्टॉक? दैट इज अ पार्ट ऑफ परचेज एंड सेल्स, एंड परचेज एंड सेल्स आर द बिगेस्ट एक्सपेंस एंड बिगेस्ट इनकम फॉर एनी ट्रेडिंग बिजनेस। Purchase and sales are the biggest expense and biggest income for any trading business. Is this clear? So I'll repeat now. अगर मैंने 10 लाख का goods खरीदा, okay? और पूरा का पूरा 10 लाख का बेच दिया, 12 लाख में पूरा का पूरा बेच दिया, तो मेरा purchase कितना है? 10 लाख। और मेरा sales कितना है? 12 lakh. Will there be anything in stock then? No. Stock में कुछ दिखेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आया और गया, बिक चुका, कुछ बचा? कुछ नहीं। अब आपने परचेज 10 लाख का, 10 लाख का परचेज किया, लेकिन उसमें से 8 लाख का ही गुड्स बेचा है 12 लाख में, 8 लाख का ही गुड्स बेचा है प्रॉफिट लगा के 12 लाख में, तो फिर व्हाट इज योर एक्चुअल परचेज एक्सपेंस फॉर द ईयर? 8 लाख। एंड व्हाट इज योर सेल्स का इनकम? 12 लाख। 12 लाख। सो व्हाट इज योर प्रॉफिट? 4 लाख। 4 लाख। एंड व्हाट इज दैट बचा हुआ 2 लाख का स्टॉक? एसेट। वो अभी नहीं, बाद में बेचा जाएगा, बाद में बेचा जाएगा, नेक्स्ट ईयर शायद बेचा जाएगा, इस साल तो नहीं बिका, नेक्स्ट ईयर बेचा जाएगा। तो पूरे साल में परचेज और सेल का अर्थ समझ आया आपको? व्हाट डू यू मीन बाय परचेज? द गुड्स विच आर एक्चुअली सोल्ड, ओनली दे विल बी कॉल्ड एज परचेज, ओके? एंड जो आपने बेच दिया, दे आर कॉल्ड एज सेल्स। सेल्स माइनस परचेज, दैट्स योर बिगेस्ट इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर, सो द डिफरेंस इज योर प्रॉफिट और लॉस। बट दैट पार्ट, ऐसा क्यों होता है? क्यों मैंने 10 लाख का खरीदा फिर भी 10 लाख को परचेज में नहीं लिया? व्हाई डिड आई डू दिस? Why I did not take 10 lakh as purchase and 12 lakh as sales? Why I took 8 lakh as purchase? Why? Sir, क्योंकि 8 lakh में 8 lakh का cost रखा और 12 lakh में बेचा। क्यों 8 ही lakh का purchase दिखा और 12 lakh का sale? Because 2 lakh goods you did not sell yet. I did not sell yet. ठीक है ना? It is still with us. Okay, but can't I show it as my expense already? Why it will be wrong? Because we haven't sold the goods yet. Okay, that is what is matching concept. कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको matching concept. Matching concept क्या बोलता है bookkeeping में? Matching concept बोलता है match your incomes with your expenses. मतलब एक साल के अंदर जब profit loss calculate करना है तब 1 year का ही expense लेना है और उसका ही 1 year का income लेना है। तो जितना गुड्स आपने बेचा हुआ है, जो सेल हुआ है, उसी को परचेज में लेना है। जो बेचना बाकी है ना, जो नेक्स्ट ईयर सेल होगा ना, तो वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस हुआ, वो ये साल का एक्सपेंस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस हुआ।
ये 2 लाख का गुड्स बच गया, कब सेल होगा? नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस और नेक्स्ट ईयर का इनकम में चला जाएगा सेल्स, गॉट इट? ये साल का एक्सपेंस इनकम का हिस्सा नहीं होगा। तो ये साल में वही परचेज और वही सेल लेना है जो आपने बेच दिया। जो बेचा नहीं है वो कौन से साल को बिलोंग करता है? नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस। ओके, तो मैचिंग कंसेप्ट के वजह से हम लोग ये करते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। हम लोग मोबाइल फोन के डीलर है, हमने 100 मोबाइल फोन खरीदे एट द कॉस्ट ऑफ से 10,000, 10,000 रुपए का एक फोन खरीदा। तो 100 मोबाइल फोन का कितना हुआ कॉस्ट? 10 लाख हुआ। 100 मोबाइल फोन में से मैंने खाली 70 मोबाइल फोन सेल किए। कितने में सेल किए? 15,000 में, प्रॉफिट लगा के 5,000 का प्रॉफिट। तो मेरा सेल्स कितना हुआ? सेल वैल्यू 15,000 इंटू 70 वुड गिव मी 10,50,000। अब इस ट्रांजैक्शन में आप मुझे बताओ, इस साल, ये पूरे साल का मेरा परचेज का एक्सपेंस कितना है और सेल्स की इनकम कितनी? परचेज का एक्सपेंस कितना होगा और सेल्स की इनकम कितनी दिखाओ? 7 लाख। वाई सो? Why purchase is 7 lakh? 30 mobiles are not yet sold. So what is my purchase expense? 70 mobiles into 10,000. Is that clear? And what is my sales income? The sale value. 70 mobile into 15,000. Jitna kharida, jitna becha, utna hi purchase sale dikhane ka. What about the remaining 30 mobiles? Wo kahan dikhega? नेक्स्ट ईयर सेल होगा, तो वो एसेट में दिखेगा। तो रिलेशनशिप क्लियर है अभी स्टॉक का, गुड्स का? जो गुड्स आपने खरीद के बेच दिया, दे आर पार्ट ऑफ परचेज एंड सेल्स, और जो गुड्स बच गया वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में दिख जाएगा। इसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, आप पूछते हैं ना दुकान में स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, दैट इज दिस स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक एट द ईयर एंड, जो आपका बेचना बाकी है, तो आपका बेचना बाकी है। ओके, तो अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड एज स्टॉक। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। अच्छा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग ओवर हियर, एनी पर्टिकुलर डाउट, क्वेरी? परचेज सेल का फंडा समझा? तो वो जो 30 मोबाइल्स बाकी है वो स्टॉक है कि एसेट? स्टॉक है। स्टॉक इज अ टाइप ऑफ एसेट। फर्नीचर इज अ टाइप ऑफ एसेट, मशीनरी इज अ टाइप ऑफ एसेट, बिल्डिंग इज अ टाइप ऑफ एसेट, डेटर इज अ टाइप ऑफ एसेट, स्टॉक इज अ टाइप ऑफ एसेट, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एसेट। It's an example of asset. Got it? Subhan, Vedika, Arnav, will be all out. Why are your videos off? Told you, first and foremost, very important thing. Video should be on throughout the lecture. Ashmi. Okay. Chalo. Yes, Lauki. What doubt you have? The remaining 30 products, like if it is, suppose there is, it's iPhone X, but next year if we sell it, there is iPhone 12 which is coming in. So won't that product price be decreased? Absolutely. Like abhi we are buying, so like, is it complex that we are studying, that we will not study right now, or what it is? Absolutely true. Your perfect doubt, tumne jo bola, yahi example mein 30 mobile phones ka cost kitna hai aapka? What is the cost of those 30 mobile phones? 3 lakh. 30 into 10,000, that comes to 3 lakh rupees. Barabar hai? Future mein abhi Lokik bol raha hai, bechne gaye aur price kam ho gaya to. Okay? To ho sakta hai, lekin 10,000 se kam hone ka chance kam hai. Humne jo bhav pe khareeda, suppose usse bhi kam ho gaya. 10,000 se bhi kam ho gaya. To loss mein sell karoge aap. Barabar hai? To उस मोबाइल फोन को आप यही साल थोड़ा रिड्यूस करके दिखा देते हो बुक्स में। वो कैसे दिखाना है सब आगे वाले चैप्टर में आएगा आपको।
तो वो 10,000 को अभी से आप लॉस रिकॉर्ड करके डेप्रिसिएशन करके दिखा देते हो एडवांस, ओके, वो भी आएगा, उसको एक कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आएगा, तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो हो सकता है मार्केट में वैल्यू कम हो जाए, ओके, हो सकता है कम हो जाए, तो उसको हम पहले से कम करके दिखा देंगे. कंजर्वेटिज्म के हिसाब से, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट होता है जहां पे आप लॉसेस एडवांस में दिखाते हो, गेन्स एडवांस में नहीं दिखाते. तो परफेक्ट है, डाउट पक्का है, लेकिन अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. मैं आपको आगे वाले चैप्टर में बता दूंगा कैसे वैल्यू कम होगी. अभी तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि 10 का मोबाइल 15 में बिकेगा, आगे जाके हायर प्राइस में बिकेगा, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है. नाउ आ जाते हैं डेफिनेशंस पे. सी द डेफिनेशंस, परचेज एंड सेल्स, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? व्हाट आर परचेज एंड व्हाट आर सेल्स? परचेज एंड सेल्स किसके लिए यूज करना है ये टर्म्स? गुड्स के, ओके. फिर आते हैं एसेट्स के एक और टाइप पे, ओके. व्हाट आर एसेट्स? व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज दैट द बिजनेस ओन्स, ओके, जो खुद के कंट्रोल में है. And they help you in earning future incomes. Barabar hai? Benefit are for more than a year. They will last in business for more than a year. Correct? We have already seen two types of assets. What two types have we already seen? Tangible and intangible. Tangible and intangible assets. All of you know what are tangible assets? Yes, sir. You know what are tangible assets? What are tangible assets? Kasak? You can talk, unmute and talk. Nahi ho raha unmute. Okay. Anyone, what are tangible assets? Okay, okay, it's fine. It's fine. Which have physical existence. Which have physical existence, right? And which do not have physical existence, they are called as? उसको वैल्यू होता है, बेचोगे तो पैसा मिलेगा, बराबर है. एग्जाम्पल ब्रांड नेम, कॉपीराइट्स, गुडविल एंड ऑल. देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ द सेम एसेट्स. दे आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स. ये क्या होता है? व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स एंड व्हाट आर करंट एसेट्स? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. Fixed assets by definition mean they are the assets which will stay in business, which will remain in business for a long period of time, generally more than a year. Generally more than a year. Jo ek saal se zyada tak business mein rahenge, they are called as fixed assets. They are called as fixed assets. What are they called as? फिक्स्ड एसेट्स, जो एक साल से ज्यादा तक बिजनेस में रहेंगे, एक साल से ज्यादा तक प्रॉफिट कमा के देंगे, एक साल से ज्यादा तक टिके रहेंगे, लंबा टाइम तक रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है सर, समझ में आ गया. फिक्स्ड एसेट्स इजी है, एक साल से ज्यादा वाले. व्हाट आर करंट एसेट्स? करंट एसेट्स का डेफिनेशन बोलता है दे आर द एसेट्स विच विल रिमेन इन बिजनेस फॉर वन ईयर और लेस. They are the assets which will remain in business for one year or less. Sir, अभी confusion हो रहा है. अभी आपने बोला एक साल से कम वाला तो expense होता है. ये साला current asset और expense क्या same है? नहीं. Current assets और expense same नहीं है. Sir, आप ही ने तो बोला एक साल से ज्यादा वाला है तो asset, एक साल से कम वाला है तो expense. और अभी आप बोल रहे हो एक साल से ज्यादा वाला है तो fixed asset, एक साल से कम वाला है तो current asset. ये कैसे? ये कैसे होगा? What do you mean by current assets? Current assets are assets, but their life is 1 year se kam, 1 year or less. And fixed assets are also not telling you about expenses, mind you. They are not expenses. Expenses ka life 1 year or less, that's a separate thing. I'm talking only about assets. Both are assets. One with a life of more than a year, one with a life of less than a year. Now let's understand this. मुझे बताओ, फिक्स्ड एसेट आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, मोर देन अ ईयर की लाइफ वाले एसेट. क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो फिक्स्ड एसेट्स के? प्रॉपर्टी, फर्नीचर, मशीनरी. कैन वी इंक्लूड इनटैंजिबल एसेट्स? गुडविल, ब्रांड नेम, कॉपीराइट्स, दे आर जनरली बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स,
लैपटॉप्स, ये सब भी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे. फिक्स्ड एसेट्स का मतलब देयर लाइफ इज मोर देन अ ईयर. समझ में आया? नाउ व्हाट इज करंट एसेट? ये किस चिड़िया का नाम है करंट एसेट? गुड्स कैन वी से कैश. ये तो आप देख के बोल रहे हो. गुड्स, डेटर, कैश, ये तो सब आप देख के. स्टॉक पोर्टफोलियो. स्टॉक्स सर, अगर किसको हम लोग ने लोन दिया उसको. वेरी गुड, लोन दिया. आप मुझे इसका मीनिंग बताओ. इसका मीनिंग आप कैसे बोल रहे हो? ये Why are you telling me these example? Cash, debtor, stock. How do you consider them as current assets? Sir, they keep the business. Activity keeps happening in them. Exactly. Some activity keeps happening in them. They keep on changing the forms. वो अपना form change करते रहते हैं. They keep on changing their form again and again and again within a year. Within a year, they are called as current assets. Okay. I'll also come to the difference of expense and current asset. पहले current asset को समझो. Short term asset है जो अपना form, अपना feature एक साल के अंदर change कर देंगे. Example, cash. आपके business में ये cash पड़ा हुआ है 52 lakhs. Will this cash remain as it is for 6 years, 7 years? ऐसे ही देख के रखोगे, अरे वाह गांधी बापू, अरे वाह गांधी बापू, beautiful cash. Will you keep it? No. You will use it, right? To buy some other asset, to buy goods, to sell goods. So cash aayega jayega, aayega jayega, aayega jayega. In fact, every day it will change the form. Yes or no? Yes, sir. What about goods? Abhi ye stock pada hua hai aapke paas 10 lakh rupya. Ye stock aise hi dekhte rahoge 10 saal tak. Wah, kya mobile hai, wah, kya mobile hai. Aise hi rakho. रखा रहोगे 10 साल तक, पड़ा रहेगा बिजनेस में. क्या करोगे इसको? सेल कर दोगे. वेरी नेक्स्ट ईयर यू विल सेल अगेन, यू विल बाय अगेन, यू विल सेल अगेन, यू विल बाय अगेन, यू विल सेल. मैन इन बिजनेस फॉर लॉन्ग, नॉट इवन अ ईयर, नॉट इवन 6 months, 1 month, 2 months मैक्स निकल जाएगा गुड्स. यस और नो? दे विल चेंज द फॉर्म. अच्छा, व्हाट अबाउट डेटर्स? डेटर्स का मतलब, व्हाई डेटर्स आर एसेट? यू हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम देम. अब मैंने गुड्स बेचा डेटर को 20 lakh, 40 lakh का बेचा था हमने. डेटर से पैसा लेना बाकी था 40 lakh. सोचो क्या वो डेटर 10 साल बाद पैसा देगा आपको, या 6 साल, 8 साल बाद पैसा देगा आपको? कब पैसा देगा? विदिन 20 days, 30 days. अगेन यू विल सेल हिम, अगेन विदिन 20 days ही विल गिव यू द मनी. अगेन देर विल बी सम गुड्स, अगेन देर विल बी सम डेटर, अगेन देर विल बी सम कैश. सो आर दे कॉन्स्टेंट इन देयर फॉर्म? No, they are changing their forms occasionally. So such assets are called as what? Current assets. आप एक साल के अंदर निकाल दोगे, उसको कन्वर्ट कर दोगे दूसरे एसेट में. जैसे कैश दे के गुड्स लिया, गुड्स दे के डेटर क्रिएट हुआ, डेटर से वापस कैश आया, वापस कैश से गुड्स लिया, वापस गुड्स से डेटर बना, गुड्स बेचा डेटर बना, डेटर से वापस कैश जनरेट हुआ. ये साइकिल समझ में आ रही है आपको? साइकिल, साइकिल. कैश देके गुड्स खरीदा, गुड्स देके डेटर बना, डेटर से पैसा आया, वापस डेटर कन्वर्टेड टू कैश. सो दे कीप ऑन चेंजिंग फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स. देयर लाइफ इज 1 year और लेस इन द बिजनेस. किसी ने एग्जाम्पल बोला, अगर हमने किसी को लोन दिया. अब लोन दो प्रकार के होते हैं. अगर मैंने हितार्थ को 10 साल का लोन दिया है, 10 साल बाद मुझे हितार्थ पैसे देने वाला है, तो इज इट अ करंट एसेट और अ फिक्स्ड एसेट? एसेट, एसेट, लॉन्ग रन, मोर देन अ ईयर. बट वही लोन हितार्थ को मैंने 1 साल के लिए दिया, 1 साल के अंदर पैसा दे देने का वापस, 1 साल के अंदर पैसा दे देने का. तो दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट. करंट एसेट, बिकॉज हितार्थ विल बी लाइक अ डेटर फॉर लोन फॉर 1 year, एंड डेटर्स आर व्हाट? करंट एसेट. Did you get the meaning of current assets? What are fixed assets and what are current? Both are assets. Dono business ke control mein hai. Dono se paisa aana baki hai. Dono future income karne mein madad karne mein help karega. Tak kya hai? Lifespan ka. Fixed asset will last in business for a long period of time, more than a year, generally more than a year. They are long, 5 years, 6 years, 10 years, 15 years.
And what are current assets? Within a year, they will change the form. They are called as current assets. तो इसका यूज क्या होता है? यूज ये होता है, जेठालाल गडा ने जो गडा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया है, जो फर्नीचर लगाया है, जो एयर कंडीशनर लगाया है, ये सब क्या है? आर दे फिक्स्ड एसेट और आर दे करंट एसेट? फिक्स्ड एसेट. तो फिक्स्ड एसेट का यूज क्या है? उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सब चाहिए ना आपको, जगह, फर्नीचर, एयर कंडीशनर सब चाहिए. वो सब इक्विप टू स्टार्ट द बिजनेस यू नीड फिक्स्ड एसेट. एंड टू कीप द बिजनेस रोलिंग, कीप इट रोलिंग, कीप इट मूविंग. मूविंग के लिए कौन से एसेट्स की जरूरत पड़ती है? करंट एसेट बिजनेस का बोगी है, बोगी. और फिक्स्ड एसेट इंजन है, इंजन. फिक्स्ड एसेट नहीं हुआ तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा बिजनेस. और एक बार स्टार्ट हो गया, फिर घूमने के लिए, चालू रखने के लिए वी नीड करंट एसेट. बिना करंट एसेट के बिजनेस रोलिंग चालू कर सकता है? एक्टिविटीज चालू रख सकता है? सोचो आप, बिजनेस में कैश ही नहीं है, बिजनेस में स्टॉक ही नहीं है, बिजनेस में डेटर ही नहीं है. कैन यू डू द बिजनेस? चाहिए ना, घूमना चाहिए, फटाफट घूमना चाहिए, तब तो पैसा आएगा फटाफट. समझ में आ रही है बात? तो कीप द बिजनेस मूविंग, रनिंग के लिए अपने को कौन से एसेट्स चाहिए? करंट एसेट. स्टार्ट द बिजनेस, जनरली स्टार्ट और लंबा टाइम तक टिकने के लिए. वो एक बार आ गया तो घड़ी घड़ी बेचने वाले नहीं है. यू डू नॉट चेंज. डू यू बाय फर्नीचर एवरी ईयर? डू यू बाय प्रॉपर्टी एवरी ईयर इन द बिजनेस? डू यू बाय मशीन एवरी ईयर इन द बिजनेस? नो. एक बार ले लिया फिर पड़ा रहेगा लंबा टाइम तक बिजनेस में. यस और नो? कोई है ऐसा बहुत पैसे वाला तो वो लेगा फर्नीचर, लेकिन वो फालतू गिरी है. बिजनेस में एक बार ले लिया तो घड़ी घड़ी लेने की जरूरत नहीं होती है. एक ही फर्नीचर यूज करते हो आप लंबे टाइम, बराबर है? सो दे आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स एंड दे आर करंट एसेट्स. वन ईयर वाला, लेस वाला, करंट एसेट. नाउ कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड अ करंट एसेट? एक्सपेंस और करंट एसेट में क्या फर्क है? अभी मैंने आपको शुरुआत में ही एक चीज बताई थी, स्टॉक. वो एग्जांपल आप यूज करके बता सकते. एक्सपेंस और करंट एसेट में क्या फर्क है? इन करंट एसेट मतलब हम लोग को पैसे वापस मिलेंगे बट एक्सपेंस में नहीं मिलेंगे. समवॉट राइट. एक का बेनिफिट जा चुका है, एक का बेनिफिट बाकी है. एब्सोल्युटली राइट. थोड़ा और डिटेल में गुड्स का एग्जांपल लेके बता सकते हो मुझे? आपने 10 लाख का गुड्स खरीदा है. आर यू ऑल विथ मी? 10 लाख का गुड्स खरीदा है, उसमें से 8 लाख का गुड्स 12 लाख में बेच दिया. तो purchase... You can make profit in current assets, but from expenses you can't make profit. Profit in the from sense. From expense we can get current assets. Still, there is some problem over there. I am doing this business, okay, for 1 year. This 1 year का business का data I am giving you. इस साल मैंने 10 lakh का goods purchase किया, उसमें से 8 lakh का goods I sold it for 12 lakh. What will you say? What is my purchase expense? 8 lakh. And what is my sales income? 4 lakh. Sales income, 2 lakhs. Sales income, yeah. Expense 8 lakhs. ये वाला example. ये रहा. Purchase expense 8 lakh and sales income is 12 lakh. ये वाला example दिख रहा है आपको? Purchase income 8 lakh, sales, purchase expense 8 lakh, sales income 12 lakh. All of you got that? Yes. एक साल के ऊपर 8 lakh का goods खरीदा, 12 lakh में sell किया. 8 lakh का purchase, 12 lakh का 8 lakh का purchase expense, 12 lakh का income हो गया. Profit हो गया 4 lakh का. अभी भी कितना goods बचा हुआ है unsold? 2 lakhs. That is called as current asset, stock. जो year end पे बच गया, that is called as current asset, stock. ये stock से कब बेचोगे, कब पैसा आएगा? Next year आ जाएगा कि 10 साल बाद आएगा? Next year आ जाएगा. तो दोनों का relation क्या है? Expense incur हो चुका है, बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है.
अभी वो एसेट नहीं है, जो गुड्स बिक चुका है वो परचेज है, वो स्टॉक नहीं है, उसका बेनिफिट जा चुका है। लेकिन करंट एसेट, इसका बेनिफिट अभी भी मिलना बाकी है। कितने टाइम के अंदर बेनिफिट आएगा? 1 ईयर के अंदर आएगा। फर्नीचर का बेनिफिट मिलना बाकी है, लेकिन कितने टाइम के बाद आएगा? मतलब 8-10 ईयर्स के ऊपर आएगा। तो फर्नीचर का भी बेनिफिट मिलना बाकी है, गुड्स से भी बेनिफिट मिलना बाकी है, दोनों एसेट है, लेकिन एक एक साल के अंदर बेनिफिट दे देगा, एक 10 साल के बाद देगा। लेकिन एक्सपेंस और करंट एसेट में क्या फर्क है? एक्सपेंस का बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है। जिधर एक्सपेंस खत्म होता है उधर करंट एसेट चालू होता है, जिधर एक्सपेंस खत्म हो जाता है ये साल में उधर करंट एसेट चालू होएगा, वो आपको करंट एसेट दिखेगा तभी बैलेंस एंड ऑफ। एक्सपेंस इज द परचेस एंड द स्टॉक इज करंट एसेट्स। The stock is current asset. Expense is the purchase part and stock is the current asset part. Okay. Sir, इसमें current asset का value कितना है? 2 lakhs. Why 2 lakhs? 10 lakh का goods था, उसमें से 8 lakh का goods आपने 12 lakh में sell कर दिया, profit लगा। तो बचा कितने का goods? बचा अभी भी गोडाउन में 2 lakhs. कब बेचोगे? Next year. ये साल तो नहीं बेचोगे, next year बेचोगे। तो जो बचा हुआ स्टॉक है जो एक साल के अंदर बिक जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एज एसेट। लेकिन जो यूज हो गया है, क्या वो परचेज एसेट था? क्या वो परचेज एसेट है? परचेज एसेट नहीं है, सेल्स एसेट नहीं है। परचेज और सेल क्या है? एक्सपेंस और इनकम है। जो यूज कर लिया वो एक्सपेंस और इनकम, जो यूज करना बाकी है, बेनिफिट मिलना बाकी है, वो एसेट है, वो एसेट है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये थोड़ा the current asset of rupees 2 lakhs would be the expense for the next year, right? Very good. Kaun bola ye? Give that man a laddu. Give that man a laddu. Okay? Kya bola Meet ne suna apne? Jo goods current asset hai ye saal ka, wo kya ban jayega next year ka? Expense. Kyunki expense bhi kabhi asset tha, kyunki khas bhi kabhi bahu thi. हर एक एसेट स्लोली एंड स्लोली एक्सपेंस बनने ही वाला है। गुड्स तो नेक्स्ट ईयर बन जाएगा आपका एक्सपेंस, ओके? फिर आपका जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर वो भी हर साल क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है वैल्यू में, उसको क्या कहते हैं? कल हमने डिस्कस किया था, डेप्रिसिएशन। तो आज भले ही 10 लाख का फर्नीचर है, नेक्स्ट ईयर वो कितने का हो जाएगा? 9 लाख का। तो 1 लाख का एक्सपेंस बन जाएगा डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर 9 लाख का बन जाएगा एसेट में, वापस 9 लाख का उसका नेक्स्ट ईयर बन जाएगा 8 लाख, वापस 1 लाख का डेप्रिसिएशन कम होकर एक्सपेंस में दिख जाएगा। तो ऑल एसेट्स विल बी ग्रेजुअली बिकमिंग योर एक्सपेंसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली, एक्सेप्ट फॉर डेटर्स एंड कैश, वो खाली कन्वर्ट होते रहते हैं, उसको छोड़ के बाकी सब एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट होने ही वाले। वेरी गुड। अब देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ एक्सपेंस और करंट एसेट का डिफरेंस का। ये गुड्स वाला एक्सपेंस और एसेट का डिफरेंस समझा आपको? गुड्स, गुड्स में एक्सपेंस क्या है और एसेट क्या है, ये समझ में आ रहा है? गुड्स में एक्सपेंस क्या है? व्हाट विल यू ट्रीट इट एज एक्सपेंस? द वन व्हिच वी सेल, वन परचेस, परचेस्ड गुड्स, बट द वंस व्हिच आर सोल्ड। परचेस वो एक्सपेंस है, बट जो गुड्स बेच दिया उतना ही परचेस ये साल का एक्सपेंस, उतना ही परचेस ये साल का एक्सपेंस। यशवी को समझ रहा है? और जो बचा हुआ गुड्स है जो अभी तक बिका नहीं है वो क्या है? समझो मेरा ऑफिस में नट्टू काका और बागा दो एम्प्लॉइज है। नट्टू काका को मैं सैलरी दे रहा हूँ, लेटर्स से 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दे रहा हूँ। तो उनकी साल की सैलरी कितनी हुई? 10,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दे रहा हूँ। 1,20,000 रुपीज की सैलरी हुई उनकी। कितनी देनी चाहिए मुझे साल में सैलरी उनको, इस साल काम किया उसके हिसाब से 1,20,000 देनी चाहिए, बराबर है? नटू काका बागा, बागा मेरे पास आया, सेठ जी
कुछ एडवांस मिल सकता है क्या नेक्स्ट ईयर के लिए? मेरे को बावरी जी के साथ हॉलीडे पे जाना है, तो मैंने बोला ठीक है थोड़ा एडवांस चाहिए सैलरी। कितना एडवांस चाहिए? 30,000 रुपया। तो मैंने उसको 120 प्लस 30,000 एक्स्ट्रा कितना दे दिया, 1,50,000 दे दिया सैलरी में। अब सोच के बताना बिजनेस में काम कितने सैलरी का हुआ है ये साल? 1,50,000 का हुआ है, 1,20,000 का हुआ। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, जितने का काम हुआ है, जितने की इनकम हुई है, उतना ही खर्चा दिखाने का। तो ये साल का एक्सपेंस कितना है, सैलरी एक्सपेंस कितना है? 120। इस साल का सैलरी एक्सपेंस इज 120। 30,000 मैंने उसको क्या दे दिया है, एडवांस सैलरी दे दी है, एडवांस सैलरी दे दी है। दैट इज लाइक स्टॉक, उसको बोलते हैं लोन गिवन। आप देखते हो लोन, अभी अभी लोन देते हो किसी को तो वो क्या है आपका एसेट। तो वैसे ही इस लोन को कहा जाएगा एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी इज ऑल्सो एन एसेट, एडवांस सैलरी इज ऑल्सो एन एसेट। तो मैंने खर्चा टोटल 150 का किया है नो डाउट, लेकिन एक्सपेंस कितना है इसमें, हाउ मच इज माई एक्सपेंस? हाउ मच विल बी माई टोटल एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर? 120। What about the remaining 30,000 that I have paid extra? That is not the expense of this year. That is the expense of which year? Next. अगले तीन महीने तक, next year, क्या मैं उसको सैलरी दूंगा बागा को? नहीं। No. Advance salary में से adjust करने बोलूंगा, बराबर है? So that is an asset. क्यों asset? क्योंकि तीन महीने का benefit मिलना बाकी है, मुझे पैसा या benefit मिलना बाकी है, तो that's my asset. तो उसको हम बोलते हैं एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी विल बी माय एसेट, एडवांस सैलरी विल बी माय एसेट। कितने की एडवांस सैलरी होगी? 30,000 की। अभी इसका डिटेल में मैकेनिज्म समझना है ना, तो ऐसे समझने का, मैंने टोटल पैसा कितना दिया मुझे बताओ, हाउ मच टोटल मनी डिड आई गिव टू बागा? 1,50,000। तो कैश बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, घटेगा। 52,50,000 में से हो जाएगा आई थिंक 51,00,000, इज दैट राइट? कैश घटा 1,50,000 से, और एक्सपेंस कितना हुआ मेरा? 1,20,000 का एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या करता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है कि कम करता है? कम करता है। तो एक्सपेंस को मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट में से कम कर दूंगा यहां पर। यही सब डिटेल हम नीचे दिखाते हैं, ये मैंने आपको बना के बताया ना, ये पूरा एक्सपेंस इनकम का नेट रिजल्ट प्रॉफिट इधर ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको खाली एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि भाई जो भी इनकम होती है वो प्रॉफिट में ऐड कर दो, जो भी एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बात तो वही हुआ। यही चीज हम लोग बिजनेस में डिटेल में दिखाते हैं, ऐसा इनकम एक्सपेंस अलग करके लास्ट में हम लोग पूरा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो ना आप, बात तो वही हुआ, प्रॉफिट में इनकम ऐड करो तो बढ़ेगा, एक्सपेंस माइनस करो तो घटेगा। तो सैलरी क्या करेगी, प्रॉफिट को बढ़ाएगी कि कम करेगी? घटाएगी। कितने से घटाएगी? 1,20,000 से घटाएगी। अब टैली हो गया ना आपका एसेट और लायबिलिटी, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैपिटल कम हुआ 120 से, एसेट कम हुआ 150 से, और नीचे एक और एसेट आ गया। कौन सा एसेट आ गया? एडवांस सैलरी। व्हाई एडवांस सैलरी इज नॉट एन एक्सपेंस बट एन एसेट? व्हाई आई डिड नॉट टेक 1,50,000 एज माय एक्सपेंस ओनली? बिकॉज नेक्स्ट ईयर द 30,000 वुड बी बेनिफिशियल फॉर। ये 30,000 करंट ईयर का है कि नेक्स्ट ईयर का दिया है? नेक्स्ट ईयर का दिया। और एक्सपेंस और इनकम का फंडा क्या है, ये साल जब प्रॉफिट है तो कौन सा इनकम और एक्सपेंस दिखाना है? सिर्फ यही साल। मैचिंग 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 कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सीए फाउंडेशन में आता है, लेकिन कभी कभी सीए इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स को भी ये नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि 11th में ध्यान नहीं दिया, सीए फाउंडेशन में पढ़ाई नहीं की, रट्टा मारा गाड़ी बढ़ाई, रट्टा मारा गाड़ी बढ़ाई, रट्टा नहीं मारना, आगे जाके अटक जाओ।
मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है मैचिंग कंसेप्ट? एक साल का एक्सपेंस और एक साल का इनकम से ही एक साल का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो सैलरी अगर 12 महीना काम हुआ है तो 12 महीने का ही एक्सपेंस करंट ईयर का है। एक्स्ट्रा जो भी एक्सपेंस है इट इज लाइक अ लोन गिवन, सो दैट्स योर एसेट। अब ये एसेट नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, ये एडवांस सैलरी नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का। इनकम कैसा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनेगा ना, क्योंकि आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है अभी नेक्स्ट 3 महीने के लिए। यही चीज सैलरी बन जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ की, ये एडवांस सैलरी नेक्स्ट 3 मंथ की सैलरी बन के आ जाएगी और 9 महीने की आप पे कर दोगे बाद में। इज दिस क्लियर? सो दैट वॉज अनदर एग्जाम्पल। तो क्लियर डिस्टिंक्शन है अभी दिमाग में, वॉट डू मीन बाय एक्सपेंस एंड वॉट डू मीन बाय करंट एसेट? Is there any Bhelpuri? Both are same. One year less. No. Sir, I have a doubt. Bolo. For the next year, if we, what we need to write in the expense, 120 or only 90,000? We will write expense 120 only. But how we will do this 30,000 which we have paid in advance salary? This will be now converted to salary for the next year. So next year, paisa aap 120 nahi doge. पैसा आप खाली 90,000 दोगे और एक्सपेंस कितना दिखाओगे? 120। कैसा दिखाओगे? 90,000 ओरिजिनल जो पे करोगे वो, और 30,000 ये एडवांस सैलरी को आप कन्वर्ट कर दोगे एक्सपेंस सैलरी, एडवांस सैलरी में से माइनस कर दोगे और सैलरी में ऐड कर दोगे। मतलब एडवांस सैलरी कम हो जाएगा और सैलरी बढ़ जाएगा आपका। सैलरी बढ़ गया मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट विल डिक्रीज। नेक्स्ट ईयर एडवांस सैलरी कम, सैलरी विल इंक्रीज और प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 30,000 एंड रेस्ट 90 वुड बी सेम एक्सपेंस एंड लेस फ्रॉम कैश। कैश कम होएगा 90 से एंड प्रॉफिट कम हो जाएगा 90 से। दैट्स योर सैलरी एक्सपेंस। इज दिस क्लियर? जा रहा है दिमाग में कि ऊपर से जा रहा है बाउंसर? एनीवन फील्डिंग ईशान शर्मा वाला बाउंसर? टेल मी, फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू, मजाक में नहीं बोलता हूँ ईशान शर्मा वाला बाउंसर। Because if some of you don't understand right now, और फिर आगे आगे मैं बढ़ते जाऊंगा तो फिर सब भोपाड़ा होके ब्लास्ट होएगा दिमाग। Anyone? हंसिका, शुभ ठक्कर, सो गए तुम लोग? Sir, I had a doubt. बोल। Sir, I understood the concept, but I was wanted to ask that if you are paying advance salary, then shouldn't it be deducted from the 120,000 you're already giving? तो उसको चाहिए, उसके ऊपर पैसा चाहिए। ये साल का एक्स्ट्रा एडवांस, एडवांस का मतलब क्या? तुमको मैंने टाइम से पहले पैसा दे दिया ना, दैट इज एडवांस। तुमने काम किया 120 का, नेक्स्ट ईयर काम करना बाकी है, उससे पहले मैं तुमको पैसा दे दिया, दैट इज ओनली एडवांस। तुम जो बोल रहे हो ना वो नेक्स्ट ईयर होगा। नेक्स्ट ईयर उसकी जो सैलरी है ना 120, उसमें से 30,000 रुपया एडवांस एडजस्ट कर ले और पे करेंगे खाली 90, ऐसा करें। यस लौकिक। सो आर ऑल एडवांसेस लाइक एसेट्स ओनली? 110% करेक्ट। इन फ्यूचर वी वोंट नीड टू पे, वी वोंट नीड टू पे। 110% ऑल एडवांसेस आर एसेट्स। इन फैक्ट वी आर क्रिएटिंग डेटर्स फॉर अस, ऐसा कुछ? हां, वी आर क्रिएटिंग डेटर्स। एडवांस मतलब मैंने बोला ना, इट्स लाइक अ लोन गिवन। एडवांस सैलरी यू आर क्रिएटिंग अ डेटर, उससे पैसा लेना बाकी है या बेनिफिट यहाँ पे सैलरी में कन्वर्ट करना बाकी है, बेनिफिट मिलना बाकी है। ऑल एडवांसेस आर योर एसेट, दिया हुआ एडवांसेस। व्हाट अबाउट आपने एडवांस लिया है किसी से? देन अ लायबिलिटी। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? वन पर्सन्स एसेट इज व्हाट अनदर पर्सन्स लायबिलिटी। मैंने किसी को एडवांस दिया है, उसने एडवांस लिया है, मेरा एसेट उसका लायबिलिटी। मेरे लिए वो डेटर है, उसके लिए मैं कौन हूँ? क्रेडिटर। लायबिलिटी किसी और का क्या होगा? एसेट। मुझे किसी को देना बाकी है, उसको पैसा लेना बाकी है। मेरी लायबिलिटी किसी और का एसेट, मेरा एसेट किसी और की लायबिलिटी, मेरा एक्सपेंस किसी और का इनकम होगा और मेरा इनकम किसी और का एक्सपेंस होगा। आपने फीस दी, आपका एक्सपेंस, मेरा इनकम। मैंने स्टेशनरी का स्पेंडिंग किया, स्टेशनरी मेरा एक्सपेंस, सामने वाले का इनकम। क्लियर?
तो मोटा मोटी ऐसे ही चलता है ट्रेडिंग बिजनेस में आपका, ओके, एसेट लायबिलिटी, एक का एसेट दूसरे का लायबिलिटी. हर बार ट्रू नहीं होता, बट 99% ऑफ द केसेस इट इज ट्रू. बढ़े आगे, 16 और 17, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स. 18th वन, अकाउंट या फिर लेजर. इसका मतलब क्या है? अभी हमें क्या करना है, बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, बराबर है? और मैंने आपको बताया हर एक चीज बिजनेस की चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. कौन से चार कैटेगरी? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, बराबर है? तो वही कैटेगरी में आप हर एक चीज के लिए एसेट अकाउंट यूज नहीं कर सकते ना. एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, हर एक चीज के लिए एक्सपेंस अकाउंट, इनकम, आपको नाम देने पड़ेंगे. जैसे आपने फर्नीचर लिया तो एक फर्नीचर अकाउंट बनेगा बुक में, आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग अकाउंट आएगा, आपने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट आएगा, आपने सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ कैपिटल अकाउंट, कैश लाया बिजनेस में तो कैश अकाउंट. तो हर एक चीज जो आपको सामने दिख रही है ना यहाँ पर स्क्रीन पर, दे ऑल आर अकाउंट, उसको अकाउंट बोलते हैं. व्हाट आर अकाउंट? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसेट, अ लायबिलिटी और एन इनकम और एन एक्सपेंस. जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो ना, पबजी खेलते हो, क्या खेलते हो? पबजी. तो पबजी में आप तो यहाँ पे बैठे हो घर पे, और मोबाइल के अंदर आपका एवेटार होता है, राइट? दैट एवेटार इज प्लेइंग. इन द सेम वे फर्नीचर जो होता है उसका एवेटार होता है फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग का एवेटार होता है बिल्डिंग अकाउंट. तो बुक्स में हम लोग वही चीजों को अकाउंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. बात समझ आई? तो कितने अकाउंट्स बनते हैं सर ऐसे बुक में? नॉर्मल स्मॉल बिजनेसेस विल हैव अराउंड 80 to 100 अकाउंट्स, डिफरेंट अकाउंट. नॉर्मल स्मॉल बिजनेस 80 to 100 डिफरेंट अकाउंट. कैसे कैसे? फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, एयर कंडीशनर अकाउंट, परचेज किया तो परचेज अकाउंट, सेल्स किया तो सेल्स अकाउंट, एयर प्रॉपर्टी ली तो प्रॉपर्टी अकाउंट, नहीं ली तो रेंट अकाउंट, लोन लिया तो लोन अकाउंट, इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट में बेचा डेटर अकाउंट, क्रेडिट में खरीदा क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, गुड्स विड्रॉ किया, बैड डेट्स अकाउंट, लॉस हुआ. तो ये सब चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको बुक्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट. और रिकॉर्डिंग होती है अकाउंट के फॉर्म, ओके, अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग होती है. इज दिस क्लियर? तो व्हाट आर अकाउंट्स? दे आर नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन, बुक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसेट, अ लायबिलिटी और एन इनकम और एन एक्सपेंस. सिंपल, उसको कहा जाता है अकाउंट या फिर लेजर अकाउंट. बात समझ आई? तो आप लोग बुक्स में पबजी खेल रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में पबजी खेल रहे हो विद द एवेटार्स. रियल एसेट्स और लायबिलिटी बाहर डील हो रहे हैं, उसका बुक्स में रिप्रेजेंटेशन है अकाउंट. ओके, उसको बोलते हैं सर. तो अगर हम लोग ने कोई मोबाइल फोन खरीदा किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से, तो मोबाइल अकाउंट बनेगा कि अलग? सेल्स, उसने बेचा है ना आपको, एंड गुड्स सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट. गुड्स सोल्ड इन द बिजनेस आर कॉल्ड एज सेल्स अकाउंट. गुड्स परचेस्ड आर कॉल्ड एज परचेसेस अकाउंट. ये आएगा, हम लोग यही तो रिकॉर्ड करना है पूरा साल, यही करना है, अकाउंट को ही रिकॉर्ड करना है, बुक कीपिंग को ही रिकॉर्ड करना है. पूरा ट्रांजैक्शन अलग अलग टाइप का अलग अलग अकाउंट्स के साथ विल बी डूइंग दैट. धन जर्नल, जर्नलाइजिंग, लेजर एंड पोस्टिंग. देखो अभी वापस रिकॉर्ड करना है तो बुक्स में करना है. चोपड़ा पूजन करते हो आप लोग दिवाली को, वो चोपड़ा होता है ना, चोपड़ा, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट. दे आर द मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, इंडिया में अभी भी 60 to 70% 60 to 70% ऑफ द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड मैन्युअली, मैन्युअली रजिस्टर्स एंड बुक्स में. ओके, 30% आर कंप्यूटराइज्ड. हैव यू हर्ड अबाउट टैली सॉफ्टवेयर? आपका जब 11th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा ना, और 12th थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो आप टैली का कोर्स कर सकते हो. आप टैली का एक 3 महीने का कोर्स कर लेना कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से, या नहीं करना है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, पूरा फ्री. ओके, घर पे खाली टैली डाउनलोड करो और ऑनलाइन यूट्यूब पे लर्न कर सकते हो. आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंट कैसे रिकॉर्ड करना है. मैन्युअली सीख लोगे तो कंप्यूटराइज अपने आप सीख लोगे. ओके, टैली का कोर्स, फिर आप किसी भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन 12th स्टैंडर्ड में होते हुए आप रिकॉर्ड करने का चालू कर सकते हो. ओके, पैसे भी मिलते हैं उसके, फ्रीलांसिंग काम करते हो तो आप अकाउंट्स का काम कर सकते हो. फ्रीलांसिंग किसी भी बिजनेस का रिकॉर्ड करना, एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई डेबिट क्रेडिट तो बहुत इजी है रिकॉर्ड करना. ओके, सो
कमिंग बैक टू बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउ मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट यू हैव मैनुअली जब आप रिकॉर्ड करते हो या टैली में भी जब आप रिकॉर्ड करते हो? अकाउंट्स के दो ही बुक्स होते हैं, कौन सा बुक होता है? एक होता है जर्नल और दूसरा होता है लेजर. ओके, दो बुक्स में आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना. सुना अथर्व जी, माहिशा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देर आर टू बुक्स ऑफ अकाउंट, हर्षिल भानुशाली, समीक्षा शाह. अगेन तू ही गई थी समीक्षा, बाय वीडियो ऑफ, कीप इट ऑन. व्हाट हैपेंड? खा रहे हो बीच में तो खाते खाते चलेगा भाई, वीडियो ऑन रखो चलेगा. अभी ऑनलाइन है तो सब क्लासरूम में खाने में पाबंदी थी, इधर तो सामने खा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात. वीडियो ऑन रख के खाओ चलेगा. जर्नल एंड लेजर, जर्नल एंड लेजर, दीज आर द टू बुक्स इन विच वी विल बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. ओके, विच विल बी रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. व्हाट इज मेंट बाय जर्नल? जर्नल इज कॉल्ड एज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, फर्स्ट एंट्री. कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसका पहला रिकॉर्ड जर्नल में जाता है. ओके, जर्नल कुछ ऐसा दिखता है. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, खाली ध्यान से देखना इसको. ये आपका तीसरा चैप्टर है, ये आप लर्न करोगे कैसे करना है. तो जर्नल कुछ ऐसा दिखता है, ये आपका फॉर्मेट होता है जर्नल का. इधर होता है डेट, होता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर मतलब डिटेल. इधर होता है LF, इधर होता है डेबिट, इधर होता है क्रेडिट. और इसमें आपको डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं. जैसे जैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए, आपको बुक्स में रिकॉर्ड करने डेट वाइज. तो पहला रिकॉर्ड जिस बुक में जाता है, ताबड़तोब जैसे ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड किया, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ रिकॉर्ड किया, ताबड़तोब दैट गोज इनटू जर्नल. दैट गोज इनटू जर्नल कैसे होता है? कुछ इस तरह होता है. लेट अस से 26th June 2021, आपने समझो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. लेट अस से बिजनेस में 50 लाख रुपया कैपिटल डाला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50 लाख्स बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. फिर आप दूसरा डेट 27 जून, आपने फर्नीचर खरीदा, तो आप एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10 लाख का आपने फर्नीचर लिया, 10 लाख का आपने फर्नीचर लिया. दिस इज बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, या बीइंग फर्नीचर परचेस्ड. इस तरीके से आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, दिस इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री. अभी कुछ समझेगा नहीं, लैटिन ग्रीक लगेगा, लेकिन एक बार आप सीख लोगे फिर आप ही खुद रिकॉर्ड करने वाले हो ये चीज. तो इसको बोला जाता है जर्नल, बुक ऑफ प्राइम एंट्री. डेट वाइज जाते हैं इसमें ट्रांजेक्शन. आपने ध्यान दिया होगा ना, तो मैंने क्या किया दिख रहा है यहाँ पे, हर एक एंट्री का डेबिट भी लिखा है, क्रेडिट भी लिखा है, डेबिट भी लिखा है, क्रेडिट भी लिखा है. दिख रहा है आपको? डेट वाइज जा रहा हूं, डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं ट्रांजैक्शन के में. ओके, जर्नलाइजिंग, नेक्स्ट डेफिनेशन इज जर्नलाइजिंग. जर्नलाइजिंग का मतलब प्रोसेस, प्रोसेस बाय विच यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. मतलब इफ आई टेल यू कि प्लीज जर्नलाइज दिस एंट्री, मतलब आस्किंग यू टू रिकॉर्ड इट इन जर्नल, दैट इज कॉल्ड जर्नलाइज. ये जो तरीका होता है इसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है. प्रोसेस इज कॉल्ड एज जर्नलाइज. तो वाई लेजर? एक बुक काफी नहीं था, वाई द हेल सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट? वाई द हेल लेजर सेकेंड बुक ऑफ अकाउंट? एक बुक में सब कुछ हो रहा था ना, तो सेकेंड बुक की क्या जरूरत है? और सेकेंड बुक में होता क्या है, लेजर में क्या होता है? तो लेजर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट. ओके, जर्नल इज द प्राइमरी बुक, लेजर इज द सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट. और क्या होता है लेजर में पता है आपको? क्या होता है लेजर में मालूम है आपको? जो जो जर्नल में लिखा है ना, उसको कॉपी करते हो आप. जो जो जर्नल में लिखा है उसको कॉपी करते हो आप. कॉपी करना तो साला अलग क्यों बनाया बुक, जेरोक्स मार देने का ना, सो सिंपल. जेरोक्स भी मार सकते थे, कॉपी करने के लिए अलग बुक बना दिया. नहीं बेटा, लेजर में कॉपी तो करते हो आप,
110% करते हो, कॉपी करते हो जो जर्नल में किया सबका सब कॉपी करके डालोगे लेजर में, कॉपी करोगे आप, लेकिन नकल में भी अकल वापरोगे। क्या अकल वापरोगे? ये अकल वापरोगे। देखो अभी यहां पर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या लिखा है, कैश टू कैपिटल, मतलब बिजनेस में कैश आया, आया, फिर मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो मैंने फर्नीचर खरीदा कैश दिया, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, डेट वाइज लिख रहा हूं, कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया। लेकिन अगर मुझे समझना है कि खाली कैश में क्या सीन चल रहा है, मेरे पास खाली कैश कितना आया कितना गया, ओनली आई वॉन्ट डिटेल्स ऑफ कैश, ओनली आई वॉन्ट डिटेल्स ऑफ कैश, तो यहां पर तो पॉसिबल नहीं है, सब एंट्रीज मेरे को चेक करना पड़ेगा, कैश 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 किधर है। वैसे ही मेरे को देखने का फर्नीचर कितना है बिजनेस में, वापस सब एंट्रीज मेरे को देखना पड़ेगा, फर्नीचर 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 किधर है, कितना है किधर है, कितना है आया कि गया, खरीदा कि बेचा। इसके लिए आप लोग लेजर ओपन करते हो। लेजर में आप क्या करते हो, ये लेजर ऐसा दिखता है, ये लेजर अकाउंट ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप हर एक अकाउंट अलग बना देते हो, कैश अकाउंट अलग, फर्नीचर अकाउंट अलग, बिल्डिंग अकाउंट अलग, कैपिटल अकाउंट अलग, ये लेजर है, ये ऐसा दिखता है। ओके, कैपिटल अकाउंट अलग, जो भी आपने जितने अकाउंट बनाए हैं ऊपर उसको आप अलग अलग ओपन कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज लेजर। तो लेजर से क्या हो जाता है, एनालिसिस बिकम्स वेरी इजी। आप एक अकाउंट में क्या हो रहा है आराम से पता कर सकते हो, कैश का सब कैश में ही दिखेगा, फर्नीचर का सब फर्नीचर में ही दिखेगा, कैपिटल का सब कैपिटल में ही दिखेगा। तो आप सिस्टमैटिकली बाइफर्केट कर देते हो लेजर में। फर्क समझ आ रहा है जर्नल और लेजर में? जर्नल मतलब जर्नल में सब साथ में होता है, जर्नल में सब साथ में होता है, डेट वाइज होता है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, और लेजर में सब बाइफर्केट है, कैश में खाली कैश अकाउंट का ट्रांजैक्शन, फर्नीचर में खाली फर्नीचर का, कैपिटल में खाली कैपिटल का। तो आपको अभी चेक करना है बिजनेस में कितना कैश है, तो तब करके कौन सा अकाउंट देखने का, कैश अकाउंट। आपको चेक करना है फर्नीचर कितना है बिजनेस में, तब करके कौन सा अकाउंट देखने का, कैपिटल कितना है, तब करके कौन सा अकाउंट देखने का, कैपिटल। सो लेजर इज इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन जर्नल, इसके लिए उसको कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। तो फोर आइटम्स, एंड व्हाट इज पोस्टिंग, द एक्ट ऑफ कॉपिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर, जर्नल से लेजर आप जो कॉपी करते हो ना उसको पोस्टिंग कहा जाता है। चार आइटम्स, वंस अगेन जर्नल, जर्नल का मतलब क्या होता है, कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं टोटल बुक कीपिंग में, व्हाट आर द टू बुक्स, जर्नल एंड लेजर। पहला बुक कौन सा होता है, फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट कौन सा होता है, जर्नल। जर्नल इज कॉल्ड एज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इज दिस क्लियर, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, जर्नल बराबर है। विच इज द सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, लेजर, लेजर। जर्नल और लेजर दो बुक, दोनों में सेम एंट्रीज ही कॉपी होता है, लेकिन दोनों अलग अलग क्यों, जर्नल में हाउ डू यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, डेट वाइज, एज पर डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट सब साथ में, जैसा हुआ रिकॉर्ड किया, जैसा हुआ रिकॉर्ड किया, जैसा हुआ रिकॉर्ड किया। लेजर में क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या एडवांटेज है लेजर, डिफरेंट अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट्स आर शोन सेपरेट। तो एनालिसिस करना है तो बेटर क्या पड़ेगा आपको, तो जर्नल इज द प्राइमरी बुक, लेजर इज द सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स, जर्नल आपका थर्ड चैप्टर है, लेजर आपका फोर्थ चैप्टर है, डिटेल में लर्न करेंगे एंड पूरा बनाना सीखेंगे हम लोग इसको, एंड जर्नलाइजिंग एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, एंड पोस्टिंग इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, कॉपिंग द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज पोस्ट फोलियो। फोलियो का मतलब क्या है, ये फोलियो होता है, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने बनाया यहाँ पे LF लिखा हुआ है, LF, LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो।
और लेजर में भी एक पेज नंबर होता है, यहाँ पर इसको बोला जाता है जेएफ, जेएफ बोला जाता है। जेएफ स्टैंड फॉर जर्नल फोलियो, फोलियो मींस पेज नंबर, फोलियो मींस पेज नंबर। ये पेज नंबर क्यों होता है? क्रॉस चेकिंग के लिए होता है, क्रॉस चेकिंग, क्योंकि आपने कॉपी किया है ना, तो कॉपी सही किया है कि गलत उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है। देखो ये सपोज मैंने एंट्री रिकॉर्ड किया ऑन पेज नंबर 35, ये जर्नल का पेज नंबर 35 है, तो जब मैं लेजर में इसको कॉपी करूंगा ना तो ऐसा लिखूंगा कैश में टू कैपिटल, ये आप सीखोगे, और कैपिटल में बाय कैश, ये 50 लाख, ये 50 लाख, और यहाँ पे पेज नंबर 35 डाल दूंगा। जर्नल का पेज नंबर लेजर में होता है और लेजर का पेज नंबर जर्नल में होता है। तो ये जो पेज नंबर है, कैश का पेज नंबर 100 था, कैपिटल का पेज नंबर 150 था, तो यहाँ पे आ जाएगा पेज नंबर 100, पेज नंबर 150, मतलब ये एंट्री लेजर के पेज नंबर 100 और 150 में। कॉपी किया है ना आपने, कॉपी, तो कॉपी में कभी गड़बड़ हो गई तो क्रॉस चेक कैसा करने का, तो आप लेजर का पेज नंबर डाल देते हो और लेजर में आप जर्नल का पेज नंबर डाल देते हो। तो क्रॉस चेकिंग के लिए पेज नंबर्स डाले जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर। जर्नल में किसका पेज नंबर होता है? लेजर। और लेजर में किसका पेज नंबर होता है? जर्नल। क्यों होता है ये पेज नंबर? व्हाट इज द यूज? क्रॉस चेकिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग, वेदर यू हैव कॉपीड इट करेक्टली और नॉट, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगा, इधर 50 लाख लिखा उधर 5 लाख तो नहीं लिख दिया गलती से, तो चेक कर सकते हो एनी टाइम पेज नंबर रेफर कर। गॉट इट? That is what is called as folio. Then there is called something that is called as casting. Casting, very simple, totaling of books of accounts is casting. आप normal language में जिसको total बोलते हो, accounting language में casting बोलते हो। मैं बोलूँगा tell me the total of cash account, इसके जगह मैं बोलूँगा cast cash account, cast cash account. Casting means totaling. Okay, तो tell me the total of cash, tell me the total of cash. So, totaling in the books of accounts is called as casting. Okay? थोड़े terms है नए, meaning वही है. Total करना मतलब casting. Casting means total. Tell me the total of furniture. So, I'll tell you cast furniture account. Tell me the total of furniture account. Got it? So, casting means totaling in the books of accounts is called as casting. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Journal, journalizing, ledger, posting, yes, folio, sir. Casting and stock. What is stock? हमने already पढ़ा हुआ है. What is stock? Goods which are unsold in the business are called as stock. Okay, and stock is a type of which asset? Current asset. Current asset. Is a type of current asset. अभी अभी बताया ना, 8 लाख का 12 लाख में बेचा, 2 लाख का बच गया, that is stock. Unsold goods in the business, बेचना बाकी है, next year बिकेगा, that is what is called as stock. Goods lying unsold in the business are called as stock. जो आप फ्यूचर में बेच के पैसा कमाओगे, that is current asset, type of current asset. The last ones, and then we wind up solvent and insolvent. What do you mean by ये आपका chemistry वाला solvent insolvent नहीं है? So you missed narration. Oh, I missed narration. Sorry. What is narration? This is narration, guys. This is narration. ये देखो, ये मैंने entry मारी है cash to capital. इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है. Can you see that? Being capital introduced. Yes, sir. फिर यहाँ पर बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, दिस इज कॉल्ड नरेशन। अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये नीचे वाला समझ में आया क्या लिखा है? कैपिटल एंट्री मतलब ओनर ने पैसा डाला बिजनेस में, फर्नीचर परचेज ये लेमैन की इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड एंड फॉर यू टू क्रॉस चेक, एवरी एंट्री विल हैव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन सिंपल इंग्लिश, दैट्स कॉल्ड एज अ नरेशन। So every journal entry is supported by a narration. What is narration? A brief explanation of that journal entry, of the transaction in simple English. Simple English means transaction ka explanation. It should always start with the word being. Why? Kyunki ye pratha parampara chali aa rahi hai. Ye transaction ho raha hai aur aap record kar rahe ho. Being present continuous mein record hota hai har baar. Is this clear? Being so and so happening. Being goods purchased for cash. Being assets sold for cash. Being capital introduced by the owner. Is this clear? So अभी हो रहा है, वैसे अभी हो रहा है, ताबड़ तो रिकॉर्ड नहीं करते, दिन का खत्म हो जाता है, दिन के एंड में करते हो या 2 दिन का साथ में करते हो, आप ऐसा करते हो रिकॉर्ड, बट
प्रथा है, बीइंग से चालू करना है, समझ में आया? तो नरेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी जर्नल एंट्री इन अ सिंपल एक्सप्रेशन. नाउ द लास्ट टू डेफिनेशंस आर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट. यस हर्षल. सर नो डाउट. तो पुट योर हैंड डाउन. सो नाउ वी कम टू द लास्ट टू, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट. सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, ये आपका केमिस्ट्री वाला सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट नहीं है कि पानी में डूबाया तो घुल जाएगा और नहीं डूबाया तो नहीं घुलेगा. दैट इज नॉट दिस सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मतलब होता है द बिजनेस हुज एसेट्स आर मोर देन और इक्वल टू लायबिलिटी. एंड इनसॉल्वेंट इज द बिजनेस हुज एसेट्स आर लेस देन द लायबिलिटी. सर आपने तो बोला था कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी, ये मोर देन लेस देन कहां से आ गया? उधर लिखा हुआ है देखो सॉल्वेंट में, अ बिजनेस हुज एसेट्स आर इक्वल टू और मोर देन लायबिलिटीज, दैट्स कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट बिजनेस. द प्रॉफिट एंड लॉस हुज एसेट्स एक्सटर्नल लायबिलिटी. एग्जैक्टली. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लायबिलिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच लायबिलिटीज? एक्सटर्नल लायबिलिटीज. सो कैन यू लुक एंड टेल मी अबाउट दिस बिजनेस? Is this business a solvent business or an insolvent business? Solvent. Solvent. Iska assets are more than. Are there any external liabilities? No. No creditor. No, no bank. Kuch dena baki nahi hai. This is a solvent business. Got it? What is a solvent business? Jo regular business hota hai, whose assets are more than your liability. External liability. बाहर वाले को चुका के घर के लिए पैसा बचता है, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट बिजनेस. व्हाट इज इनसॉल्वेंट? इट इज इक्वल, इफ इट इज इक्वल, इक्वल टू भी चलेगा. इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन. इक्वल टू लायबिलिटी होगा ना तो भी चलेगा, मोर देन हुआ तो भी चलेगा. लेस देन नहीं होना चाहिए. लेस देन हुआ ना तो इनसॉल्वेंट. आपको पता है बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्सी पता है? बैंकक्रप्सी, बैंकक्रप्सी का मतलब होता है इनसॉल्वेंसी. अब मैं आपको बताता हूं बिजनेस बैंकरप्ट कैसे होता है. देखो ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, लायबिलिटी एसेट. ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं बिजनेस, ओनर ने कैपिटल डाला, लेट अस से 10 लाख का कैपिटल डाला, क्या होगा चेंज आप बताओ मुझे? सर ये एसेट में कैश हो जाएगा 10 लाख. एसेट में कैश आ जाएगा 10 लाख और कैपिटल आ जाएगा 10 लाख. बराबर है? यस और नो? या. अब मैंने ये कैश से स्टार्ट करना है बिजनेस, फर्नीचर खरीदा, व्हाट विल बी द चेंज? प्रॉपर्टी नहीं, चलो भाड़े पे ले लेते हैं, फर्नीचर खरीदा. तो फर्नीचर खरीदा 4 लाख का, क्या होगा चेंज? कैश विल बिकम 6 लाख. कैश, कैश विल बिकम 6 लाख एंड फर्नीचर आ जाएगा 4 लाख. 4 लाख. ओके. एयर कंडीशन खरीदा 2 लाख का, एसी वेसी सब फिट करवाया, 2 लाख का एसी खरीदा, अब क्या हो जाएगा चेंज? कैश विल बिकम 4 लाख. कैश 4 लाख हो जाएगा और एयर कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे कितना? 2 लाख. आर यू ऑल विथ मी? ओके. अब मेरे को और मतलब गुड्स वुड्स खरीदना है और पैसा चाहिए और घर पे खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ? लोन. तो मेरे को 5 लाख का लोन लेना है, क्या चेंज होगा? 5 लाख का लोन लिया मैंने. एक्सटर्नल लायबिलिटी इधर आ जाएगा, 5 लाख और क्या चेंज होगा? कैश विल बिकम 9 लाख. कैश विल बिकम 9 लाख. ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? लोन लिया ना तो पैसा आया और लायबिलिटी क्रिएट हो गया, समझ में आ रहा है ये पक्का? अभी ये बिजनेस फिलहाल सॉल्वेंट है, यस और नो? यस. व्हाई? Its assets are more than or equal to its external liability. अभी हम इसको insolvent बनाते हैं, ठीक है? कैसे बनाएंगे देखना. और मैं बना रहा हूं practically 10 में से 7 business insolvent बन जाते हैं. कैसे बनते हैं देखना आप लोग. अभी मैंने goods खरीदना है और बेचना है, I have to deal in the goods, right? मैंने 9 लाख में cash में से 7 लाख rupees का goods खरीदा for cash. 7 लाख का गुड्स खरीदा फॉर कैश, क्या चेंज होगा यहाँ पे?
Cash will become 2 lakh. Cash will become 2 lakhs and फिलहाल स्टॉक आ जाएगा, फिलहाल स्टॉक आ जाएगा कितने का? 7 लाख. ये बाद में आपका परचेज सेल इनकम एक्सपेंस में आएगा, मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट से ही बता रहा हूँ. तो ये आपका स्टॉक आ गया 7 लाख का. अब ये 7 लाख का स्टॉक आपने 8 लाख में बेच दिया, एक महीने के अंदर चुटकी में, एक महीने के अंदर बेच दिया 8 लाख में. क्या चेंज होगा? कैश में स्टॉक हट जाएगा, स्टॉक हट जाएगा और 1 लाख का प्रॉफिट. कैश हो जाएगा कितना? 10 लाख. और 1 लाख का प्रॉफिट क्या करोगे आप? एडेड टू बैंक, एडेड टू कैपिटल. ऑल ऑफ यू आर विथ मी? अभी तो बिजनेस अच्छा कर रहा है ना. विजय मल्या भी ऐसे ही बोला था जब उसका एयरलाइन अच्छा कर रहा था 2007 में. विजय मल्या का एयरलाइन मस्त चल रहा था, किंगफिशर, चकाचक, बेस्ट टॉप क्वालिटी सर्विस, टॉप फूड, लिकर, दारू इन द प्लेन, यूज टू सर्व फ्री में. ओके, गुड ब्यूटिफुल हेयर होस्टेस, हीरोइन लाइक हेयर होस्टेस, एंड देन फ्री में हेडफोन्स देता था सबको. लाइक दैट यूज टू डू द बिजनेस. बट फिर गड़बड़ हो गई. क्या किया? भाई ने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया. उसको लगा अभी प्रॉफिट हुआ है, चलो और एक्सपैंड करते हैं, और प्लेन्स खरीदते हैं, और बड़ा करते हैं बिजनेस को. तो मैंने भी वही किया, ये बिजनेस ने भी यही किया. आपका प्रॉफिट हुआ, आपको लगेगा वाह बिजनेस अच्छा कर रहा है. आपने 15 लाख का गुड्स क्रेडिट पे खरीद लिया. कितने का? 15 लाख. 15 लाख का गुड्स क्रेडिट पे खरीद लिया. चलो एक्सपैंड करते हैं बिजनेस, तो जोरदार चाले छे मज्जा मा. 15 लाख का गुड्स क्रेडिट पे खरीदा, अब क्या चेंज होगा? लायबिलिटीज में लायबिलिटी क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स कितना? 15 लाख. 15 लाख. और कैश, स्टॉक, स्टॉक ना, स्टॉक 15 लाख, स्टॉक 15 लाख. ठीक है. और फिर आ गया कोरोना. मल्या के टाइम पे कोरोना नहीं था, उसका केयरलेसनेस था. बट जनरली सभी बिजनेसेस में ये ट्रेंड देखा गया है. जो इंसॉल्वेंट बिजनेस हुए हैं पास्ट में, जितना दिवाला निकल गया ना बिजनेस का, बैंक्रप्सी, वेरी फ्यू बिजनेसेस आर शट डाउन ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. बहुत कम बिजनेस बंद होते हैं. ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्यों बंद होते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हो, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप इतना सारा एक्सपेंशन कर देते हो और फिर कस्टमर आते नहीं है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, इनकम कम हो जाती है. यहाँ पर भी यही हो रहा है. आपका स्टॉक हो गया 15 लाख, क्रेडिटर हो गया 15 लाख. अब आ गया कोरोना, या कोई दुविधा आ गई, या फिर आपका डिमांड कम हो गया गुड्स का. अभी मार्केट में आपके गुड्स का डिमांड ही नहीं है, कॉम्पिटिशन आ गया. और आपको ये 15 लाख का स्टॉक, 15 लाख का स्टॉक 8 लाख में बेचना पड़ा. कितने में? 8 लाख में बेचना पड़ा. माइंड यू 8 लाख में बेचना पड़ा. तो क्या होगा अभी चेंज बताओ मुझे? स्टॉक विल बिकम 7 लाख. 7 लाख का लॉस. पूरा 15 लाख का गया स्टॉक, पैसा 8 लाख आया. 8 लाख का बेचा नहीं, पूरा ही गया. तो लॉस, कैपिटल में लॉस हो जाएगा. हाँ, तो अभी 15 लाख का स्टॉक गया. एंड सपोज यू सोल्ड इट फॉर कैश, डेटर वेटर नहीं, कैश. तो कैश आ जाएगा ताबड़तोब. कितना कैश आया? 8 लाख आया. तो कैश विल बिकम 18 लाख एंड देयर इज अ लॉस. हाउ मच लॉस इज देयर? 7 लाख. तो प्रॉफिट तो चला गया बाबा जी का ठुल्लू में. 1 लाख का प्रॉफिट था, वो तो गायब हो जाएगा. और ऊपर एक्स्ट्रा लॉस कितना हो गया आपका? 6 मोर. So what will be your capital now? वो loss क्या करोगे आप capital में? add की less? less कर दोगे. less. तो अभी आपका capital कितना बन जाएगा? 4 lakhs बन जाएगा. am I right? So ये loss वगैरह सब होने के बाद आपका capital हो गया 4 lakh rupees. are you all with me till this point? yes sir. doubt? क्या हुआ समझा आपको? पहले तो profit किया मस्त में, फिर और ताव में आके ज्यादा गुड्स खरीद लिए एक्सपेंशन की लालच में, लेकिन बेचने गए तो लफड़ा हो गया. देयर आर वेरियस चांसेस, वेरियस रिस्क्स इन द बिजनेस. गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, कोरोना आ सकता है, बारिश ज्यादा हो सकती है, गुड खराब हो सकते हैं, डिमांड कम हो सकती है, कॉम्पिटिशन आ सकता है. इसमें भी यही हुआ, लॉस में बेचना. लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम अभी भी अपने ईगो पे कायम है. हम बोलेंगे नहीं, अभी हम प्रॉफिट में आके रहेंगे.
हमने और 8 लाख का गुड्स खरीदा क्रेडिटर, क्रेडिटर को बोला मैं थोड़े टाइम बाद पैसा देता हूं तेरे को और 8 लाख का गुड्स दे दे। क्रेडिटर ने बोला चल ठीक है लेके जा। हमने और 8 लाख का गुड्स खरीदा ऑन क्रेडिट, क्या होगा यहाँ पे? 23 लाख स्टॉक आएगा 8 लाख का। सर क्रेडिटर का 23 लाख कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। 23 लाख आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? लायबिलिटी बढ़ गई, उधारी बढ़ गया, पैसा देना बाकी है। हेलो yes. अब यहाँ पर वापस हम मात खा गए। मल्या ने भी यही किया। किंगफिशर एयरलाइंस बहुत अच्छी चल रही थी 2007 में, मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी, मोस्ट लग्जूरियस, पीपल यूज टू ट्रैवल इन किंगफिशर एयरलाइंस। एंड देन ही स्टार्टेड एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग, ही फेल्ट दैट ही विल मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। सो व्हाट ही डिड, मोर खर्चास, मोर फ्लाइट्स, मोर हायर ऑफ एम्प्लॉय, मोर एडवर्टाइजमेंट, खर्चा 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 करते ही गया। और सामने डेक्कन एयरवेज था, तभी जेट एयरवेज का सब्सिडरी था, उसने खाली अपना प्राइस कम कर दिया, सस्ता कर दिया टिकट। अब फ्लाइट कोई ऐसी तो चीज नहीं है कि आप एकदम इलाइट पैसा खर्च के एंजॉयमेंट के लिए जाओगे। फ्लाइट किसके लिए होता है? ट्रैवलिंग के लिए होता है। आपको सस्ते में पड़े तो सस्ते में, पैसा पहले देखोगे ना। ये भाई ने ऐसा नहीं किया, इसका टिकट प्राइस थोड़ा हाई रह गया और खर्चा ज्यादा हो गया, और कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिया, पब्लिक चला गया वहां पे, इसके पास कस्टमर नहीं आए, इनकम नहीं हुई, खर्चे बढ़ गए, तो क्या हुआ? बिजनेस में लॉसेस होने लगा, बिजनेस में लॉसेस होने लगा और बढ़ते बढ़ते 7.5 और ब्याज के साथ 10,000 करोड़ का लॉसेस हो गया। 10,000 करोड़ का लोन SBI से लेके, सब बैंक से लेके अभी भाग गया और लंदन में बैठा हुआ है किंगफिशर वाला एयरलाइंस। ओके, दारू का बिजनेस प्रॉफिटेबल है बट दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस। एयरलाइंस वाला बिजनेस 6,000 करोड़ का लिया था लोन, अभी विथ व्याज 10,000 करोड़ का हो गया। नावी रैन अवे, इज नॉट पेइंग द मनी। ओके, तो तिशा गाला, मनन शाह, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। पर उसके एसेट्स को लिक्विडेट करेगा तो पैसा नहीं आएंगे। हाँ तो अभी प्लेन में बैठा क्या तू? यार इधर बैठा है काका, आवाज है। बाप रे, कौन सा पंखा लगा है? प्लेन का ही पंखा लगा है मेरे को। अभी उसका एसेट्स को लिक्विडेट करके कर सकते हो आप। मल्या के केस में ये पॉसिबल है क्योंकि उसने सिक्योरिटी विक्योरिटी रखी थी, अब वही प्रोसेस चालू है धीरे धीरे। बट एसेट को लिक्विडेट करके भी, अब मैं आपको वही बताऊंगा, हम इंसॉल्वेंट हो रहे हैं ना, हमारी हालत मल्या जैसी होगी यहाँ पे। अब ये 8 लाख का स्टॉक बेचने गए तो कंपटीशन आ गया, मिला ही नहीं मार्केट में बेचने के लिए। 8 लाख का गुड्स अपने को 2 लाख में बेचना पड़ा। कितने में? 2 लाख। अब क्या चेंज होगा बोलो? स्टॉक विल बी गॉन। Stock will be gone. 8 लाख का स्टॉक गया। All of you with me? पैसा कितना आया? कैश में बेचा है। पैसा कितना? 2 लाख। तो 18 का कितना हो जाएगा कैश? 20 लाख हो जाएगा, बराबर है? 2 लाख हो जाएगा, अच्छा। और उसके बाद कैपिटल लॉस कितना हुआ? 6 लाख का लॉस हो गया। 6 लाख का लॉस हो गया है, तो क्या चेंज होगा यहाँ पे? लॉस 6 लाख हो जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव 2 लाख हो गया। Yes, but we cannot write negative figures in the final amount. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव कैपिटल। तो ये कैपिटल जो है यहां से हट जाएगा, लाइबिलिटी से हट जाएगा और यहाँ पे एसेट में आ जाएगा कैपिटल 2 लाख। ये एसेट में आने का मतलब क्या है? 2 लाख का मतलब नेगेटिव 2 लाख। हाँ, नेगेटिव 2 लाख। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या कि बिजनेस क्या बोल रहा है ओनर को कि मुझे तेरे को पैसा देना नहीं है, मुझे तेरे से पैसा लेना है। क्योंकि ओनर का पैसा तो पूरा खत्म, लॉस 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 खत्म थी गयू है ना, पूरा खत्म हो गया। और अभी बिजनेस बोलेगा भैया ओनर पैसा लाओ, हमको लेना बाकी है, इसके लिए एसेट में दिख रहा है। एसेट का मतलब ये नहीं कि कुछ पैसा मिलेगा, अभी ओनर का ही पैसा लेना बाकी, घर पे ही पैसा नहीं, बट इट ओनर से लेना बाकी है, इसके लिए नेगेटिव कैपिटल एसेट साइड दिख रहा है। ये कोई एसेट नहीं है, खोखा पैसा है, खोखा पैसा लेना बाकी है, ओनर के पास पैसा नहीं है घर पे। समझ में आया? अब आपको जो है लायबिलिटीज चुकानी है एक्सटर्नल वाली, वो लोग भी चढ़ जाएंगे, साला तेरा बिजनेस लॉस पे लॉस कर रहा है, हमको हमारा पैसा चाहिए,
पहले क्रेडिटर आएगा फिर बैंक लोन आएगा, हम पहले क्रेडिटर को तो चुका देते हैं। चलो कितना चुकाना है क्रेडिटर को? 23 लाख चुका है, लेकिन पैसा कितना है हमारे पास? 20 लाख है। और क्या कर सकते हैं चुकाने के लिए? फर्नीचर बेच सकते हैं। किसने बोला ना विजय मल्या का एसेट लिक्विडेट करना चाहिए? यही हो रहा है अभी। विजय मल्या का बंगलो, बैंगलोर वाला बंगलो, गोवा वाला प्रॉपर्टी, अंधेरी वाला ऑफिस, सब बेच रहा है। बट अब मुझे सोच के बताओ आप, ये चलो कैश से तो चुका दोगे 20 लाख, फर्नीचर बेचने निकलोगे तुरंत ताबड़तोड़, क्या आपको 4 लाख मिलेंगे? नहीं, वैल्यू भी डिप्रिशिएट हो गया होगा फटाफट। आप ताबड़तोड़ बेचने निकलोगे तो वैल्यू घटेगा ही ना। 4 लाख का हाथ में आप आज उठ के बोलोगे मेरे को मेरा घर बेचना है, आज ही बेचना है, फर्नीचर आज ही बेचना है, तो क्या प्रॉपर वैल्यू मिलेगी? 4 लाख भले ही 4 लाख हो, लेकिन ताबड़तोड़ बेचने जाओगे तो 4 लाख मिलेगा नहीं। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा, समझो आधा ही मिलेगा। तो 4 लाख का बेचने गए, हाथ में कितना आया? 2 लाख। फर्नीचर तो गया और कैश कितना बढ़ा? 22 लाख। और 2 लाख का क्या हो गया अपना? लॉस हुआ। तो और लॉस किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल अभी नेगेटिव हो गया 4 लाख, बराबर है। अब भी अपने को क्रेडिटर को देने के लिए कितना कम पड़ रहा है? 1 लाख रुपया कम पड़ रहा है। तो क्या करेंगे अभी आखिरी इलाज? बिजनेस ही नहीं बचा तो क्या एयर कंडीशन का तंबूरा हवा खाओगे? उसको भी क्या करो? बेच दो। 2 लाख का एयर कंडीशनर बेचने जाओगे कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख रुपया आएगा वापस, 1 लाख रुपया कैश में बढ़ेगा। कैश हो गया 23 और 1 लाख का क्या हुआ आपका? लॉस। कैपिटल और नेगेटिव हो रहा है, घर पे पैसा ही नहीं है, कंगाल रह गया चाहिए। अभी चुका सकते हो, लेकिन कितना चुका सकते हो क्रेडिटर को? 23 लाख। ये चुक गया। क्या बैंक लोन चुका पाओगे? नहीं। इसको कहा जाता है क्या? इंसॉल्वेंट बिजनेस। यहाँ पर इससे बहुत पहले ही आप इंसॉल्वेंट हो चुके थे। यहाँ पर ही आप इंसॉल्वेंट थे। यहाँ पर जहाँ पे कैपिटल नेगेटिव आया ना आपका, यहाँ पे कैपिटल नेगेटिव आया ना 2 लाख, इधर ही आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो चुका है। कैसे इंसॉल्वेंट हो चुका है? देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स? 26 लाख। और हाउ मच आर यू सपोज टू गेट लाइफ? 28 लाख। हवाई जहाज वाले यात्री कृपया थोड़ा पंखा स्लो करके बात कीजिए। आपका एसेट है 26 लाख और आपका लायबिलिटी हो गया है 28 लाख। आर योर एसेट्स मोर देन योर लायबिलिटीज और लेस? लेस देन योर लायबिलिटीज। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन इनसॉल्वेंट बिजनेस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज विजय मल्या का बिजनेस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर, वो भाग गया ना दूसरा, नीरव मोदी, उसका बिजनेस। ओके, यही हालत है सबकी। योर एसेट्स आर नॉट सफिशियंट इनफ टू पे ऑफ योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आया? Yes, sir. होता है बिजनेस इंसॉल्वेंट, बात घुसी दिमाग में? व्हाई डज अ बिकम बिजनेस बिकम इंसॉल्वेंट? मेन रीजन फॉर अ बिजनेस बिकमिंग इंसॉल्वेंट, हाउ द लायबिलिटीज वुड बिकम मोर देन योर एसेट्स? लॉसेस, कंटीन्यूअस लॉसेस विल मेक द बिजनेस इंसॉल्वेंट। इज दिस क्लियर? सो दैट्स योर मीनिंग ऑफ अ सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट बिजनेस। भेजे में घुसी दिमाग में बात, एसेट एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, एक्सटर्नल लायबिलिटी जितना भी है ना तो भी आप सॉल्वेंट हो। सर आई हैव अ डाउट, एक सेकंड ना। एक्सटर्नल लायबिलिटी जितना भी एसेट है ना सेम। सपोज एसेट आपके पास 28 लाख का होता ना, 28 लाख और ये भी 28 लाख है तो भी आप सॉल्वेंट हो। खुद के लिए नहीं बचा तो ठीक है, बाहर वालों को चुका पाए तो आप सॉल्वेंट, बाहर वालों को नहीं चुका पाए तो आप इनसॉल्वेंट। बैंक। हाँ बोलो। So for cap, for assets, generally whatever we write in that column, it is because we get some benefits from it, right? But in this negative capital, what benefit are we getting? We don't have a choice where we will write it. Just because we cannot write negative figure on the liability side, that's why we are writing on the asset. उसमें कुछ है नहीं benefit. That's what I said. कुछ पैसा वैसा आने वाला नहीं है, खाली उसको tally करने के लिए रखा है। टैली होना चाहिए, नेगेटिव नहीं लिख सकते इसके लिए यहाँ पे। नो बेनिफिट वाला, इट्स लॉस, इट्स नथिंग बट प्योर लॉस। यस, दिस हैपेंस ओनली इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट बिजनेस, ओनली फॉर इंसॉल्वेंट।
Sir, if at last our everything comes to zero, then we can think that our the capital money is our loss. हाँ मतलब जो कैपिटल में दिख रहा है वो आपका लॉस है ना, जमा हुआ 2 लाख रुपया जो नेगेटिव दिख रहा है, एसेट साइड वाला बोल रहे हैं ना कैपिटल, दैट एसेट साइड ऑफ कैपिटल इज योर लॉस एंटायर. नो, व्हेन वी सॉल्व द होल थिंग वी गॉट 5 लाख एज अ बैंक लोन एंड 5 लाख एज अ कैपिटल, कैपिटल राइट. सो इफ वी वर हैविंग 5 लाख ऑफ इन द लायबिलिटीज, इफ वी वर हैविंग 5 लाख ऑफ लायबिलिटी which is the capital from the owner, then we have ultimately we are in loss only, no? This is you what don't know. Yeah, this is what you are talking about, right? The last part. Yeah, if everything is sorted, if everything is sorted, we do not have any liability and we do not have any asset, what is our loss? Nahi, then why there will be loss if there is no liability, na? So you will have a situation like this, capital here 5 lakh and here there will be some cash 5 lakh. If you do not have any liability, then you are left with capital only, internal liability. And there will be some asset to support the capital. Hoga hi na? Agar aapne sab asset bech diya, liability chuka di, to aap bachoge kya? Cash aur capital ke saath. Samjha? Wo aapne nikal liya business mein se, to business band ho jayega. खाली हो जाएगा वापस, ओनर ने पैसा निकाल लिया तो बिजनेस बंद. और तो दैट डजंट हैपन, ओनर तो बिजनेस चालू ही रखता है अनलेस एंड अंटिल वो बैंकक्रप्ट होकर बंद नहीं हो जाता, तब तक बिजनेस चालू ही रहता है. गोइंग कंसर्न बोला ना, गोइंग कंसर्न, अज्यूम दैट द बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर इन्फिनिटी, ओनर कभी अपना पैसा वापस निकालने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा निकालेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, थोड़ा थोड़ा निकाल के घर पे लेके जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉइंग. बट पूरा पैसा निकाल के घर पे नहीं लेके जाए, वो निकाल लिया तो बिजनेस बंद हो जाए, निकाल लिया तो बिजनेस बंद खत्म. यस लॉकिक सर, कैन यू अंडू इट टू द प्रायर शीट, वन सेकेंड. हाँ बोलो. इन दिस वी सोल्ड द फर्नीचर फॉर 2 lakhs और व्हाट अमाउंट डिड यू से, 2 lakhs, 4 का 2. या so the cash will become 22. So why did we make the capital 4 lakhs over there, like you loss, why loss? Are 4 ka furniture tha apne 2 mein becha, wo bhi to loss hi hua na aapka. Goods ko bechte ho kaisa loss hota hai, profit hota hai. Okay, so in that way, okay. Ha to asset ko 4 lakh aaya, 2 lakh gaya, 4 lakh ka asset, 2 lakh ka loss ho gaya na business, wo bhi to loss hi hai. जैसे गुड्स पे होता है, गुड्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ एसेट बट यू डील रेगुलरली, दैट्स व्हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस एवरी ईयर, या प्रायरली बेचते हो बट होगा तो सही सेम प्रॉफिट और लॉस एसेट पर भी. बराबर है? एसी बेचा, एसी का भी 1 lakh का लॉस हुआ, फर्नीचर बेचा उस पर भी 2 lakh का लॉस हुआ, वो भी कैपिटल में एड होते गया, लॉस लॉस लॉस. ओके, सो दैट्स योर डेफिनेशन शीट, योर वी स्टॉप. ओके, रिवाइज करना है कहां तक, पूरा ऑल डेफिनेशन ना, स्टार्ट टू एंड, कितने टर्म्स है, 1 से लेके 28, दैट्स योर फर्स्ट चैप्टर, 1 से लेके 28 टर्म्स प्रॉपरली यू हैव टू रिवाइज. ओके, खुद से समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ओन वर्ड्स में आप आंसर लिख सकते हो, डेफिनेशन वगैरह पूछा तो मीनिंग सबको पता होना चाहिए, मीनिंग सबको पता होना चाहिए. और नहीं समझ में आया, कुछ डाउट्स क्वेरीज है, ऑल व्हाट्सएप फ्रीली आस्क. ओके, नया सब्जेक्ट है, कुछ डाउट्स को अंदर रखो मत, प्लीज पूछ लो. ठीक है, और इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग राइट नाउ, एनीवन, ओके, कुछ पूछना है तो अभी भी रुक सकते हो, अदरवाइज यही रिवाइज करना है. ओके, एंड नोट्स किसने कलेक्ट नहीं किया अभी तक, नोट्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर येट टू कलेक्ट द नोट्स फ्रॉम द सेंटर, फॉलो. ओके, ये बैच में सबने कर लिया, ठीक है, बढ़िया. नाम अपना टिक करवा के नोट्स ले लेना, और हम लोग मिलेंगे अभी ट्यूसडे को 11 to 1, विल स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक ऑफ बुक, अपना डबल एंट्री सिस्टम. ओके, ये रिवाइज करके रखना, कुछ भी डाउट्स है तो क्लियर कर लेना. ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय सर, थैंक यू, बाय सर, या टेलीग्राम ग्रुप आई विल मेक, आई विल सेंड अभी तक.